बक्सर गैंगरेप में सनसनीखेज खुलासा। मोबाइल ने खोले कई राज। नहीं हुआ था गैंगरेप। गैंगरेप की बनाई गई फिल्मी कहानी। बच्चे की हत्या पर सस्पेंस बरकरार। महिला के साथ गैंगरेप और उसके 5 साल के बच्चे की हत्या के इस सनसनीखेज कांड में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। मेडिकल रिपोर्ट में जो पुष्टि हुई है उसके अनुसार महिला के साथ गैंगरेप नहीं हुआ है। पुलिस की माने तो इस घटना के पीछे की कहानी प्रेम प्रसंग है। महिला अपने प्रेमी के साथ गई थी, प्रेमी के बहनोई के यहाँ पूरे दिन रुकी भी। पुलिस की माने तो प्रेमी से किसी बात को लेकर महिला की लड़ाई हो गई थी, जिसके बाद उसने महिला और उसके बच्चे को अपने साथियों के साथ मिलकर नदी में फेंक दिया, जिसमें 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। गैंगरेप की बनाई गई फिल्मी कहानी। पुलिस की माने तो महिला ने पूरी कहानी झूठी रची थी, जिसमें उसने कहा था कि बैंक जाते वक्त उसका अपहरण हो गया और सुनसान इलाके में ले जाकर गैंगरेप किया गया। मामले में पूछताछ के दौरान महिला के बयान को दर्ज किया गया है। महिला के बयान पर पुलिस ने भीम यादव और मीनाराम के अलावा 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है, लेकिन जब पूछताछ की तो मामला कुछ और ही निकला। क्योंकि जो तकनीकी अनुसंधान हम लोगों के द्वारा किया गया है और जो महिला का फिर से बयान जो हो रहा है, और साथ ही साथ जो अन्य जो हमारे इम्पोर्टेंट एविडेंस है, जैसे टेम्पो का ड्राइवर जो उसके रिश्तेदार के घर से लेकर आया यहाँ पे छोड़ने के लिए, साथ ही साथ जिस रिश्तेदार के घर पे वो रुकी थी उस रिश्तेदार की महिला, साथ ही साथ जो उसका दोस्त रवि जो इसको मोटरसाइकिल से लेके गया था उस रिश्तेदार के घर पे, और साथ ही साथ ये जो शख्स है वो हार्वेस्टिंग में हार्वेस्टर का ड्राइवर है, तो उस जिसके यहाँ काम करता है उसने वो अपना मोटरसाइकिल इसको दिया था। उन सारे लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है, जैसे रिश्तेदार की महिलाओं ने स्वीकार किया कि इसके बच्चे और इस बच्चे की माँ हमारे घर पे आई हुई थी। जो रवि है इसका दोस्त, वो खुद स्वीकार किया है कि हमने इसने बुलाया था, हमने इसको कुरान सराय से लेके गंतव्य स्थान पर हम इसको लेके गए थे। टेम्पो ड्राइवर को भी पहचान कर लिया गया, उसने भी हम लोगों के सामने बयान दिया है कि हमने ऑटो से जो है कि उसको वहाँ पर ले जाकर छोड़ा है। जो उसका मालिक है, हार्वेस्टर का मालिक है, उसने भी ये बात को स्वीकार किया है कि इसने मेरा मोटरसाइकिल मुझे मांग के लेकर गया भी था। और इनका इन्होंने सिर्फ स्वीकार ही नहीं किया, इन्होंने 164 का बयान दिया है माननीय न्यायालय के समक्ष, और साथ ही साथ जो तकनीकी अनुसंधान भी मेरा है वो भी इस बात की पुष्टि करता है। मोबाइल ने खोला राज। दरअसल 10 अक्टूबर को महिला के मोबाइल की लोकेशन राजपुर थाने के सोनपा गांव में थी। महिला की कॉल डिटेल से पता चला कि एक नंबर पर उसकी लंबी बात पहले से ही हो रही थी। जब जांच बढ़ाई तो पता चला कि राजपुर थाने के ओरा निवासी चुलबुल राजभर से उसके प्रेम संबंध थे। महिला के गांव में रिश्तेदारी होने के कारण चुलबुल का वहाँ आना जाना था। इसी बीच दोनों में प्रेम हो गया। घटना के दिन चुलबुल अपने गाँव के ही दोस्त रवि के साथ ओझा बराव पहुँचा था। इस दौरान महिला भी अपने 5 साल के बेटे के साथ घर से निकल आई। यहाँ से वो अपने प्रेमी के साथ उसके बहनोई के घर सोनपा चले गए। बताया गया है कि चुलबुल ने उसे अपने बहनोई के घर दिन भर रखा और आधी रात को उसके पिता की तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर घर के लिए रवाना कर दिया। महिला के साथ चुलबुल, रवि और राधेश्याम भी ऑटो से ओझा बराव पहुँच गए। दोनों के बीच हुआ झगड़ा। पुलिस ने बताया कि ओझा बराव नहर के पास दोनों का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। पुलिस का मानना है कि इसी झगड़े की वजह से प्रेमी ने महिला और उसके बेटे को नदी में फेंक दिया। हालांकि इस बात की अभी पूरी तरह पुष्टि नहीं की गई है। SP नीरज कुमार ने बताया कि महिला से अभी पूछताछ की जाएगी। बच्चे की हत्या के पीछे की वजह जो महिला के द्वारा बताया गया है कि अब महिला और इनके बीच में अब ये किसी भी कीमत पे घर वापस नहीं लौटना चाह रही थी, और ये शख्स जो है कि जो इनके रिश्तेदार ने इन लोगों को काफ़ी समझाया कि भाई तुम पहले से शादीशुदा हो, 4-5 बच्चे के पिता हो,
और तुम दूसरी महिला को लेकर आ रहे हो। तो इन लोगों के बीच में जो है कि कहा सुनी वहाँ इनके रिश्तेदार के घर पे भी हुई थी और यहाँ भी हुई थी। जो महिला का कहना है कि इसने जो है कि ले जाकर हम लोगों को धक्का दे दिया, कुछ विश्वसनीय प्रतीत होता है, और साथ ही साथ जब मुख्य अभियुक्त इस संबंध में पकड़ा जाएगा तो उस बिंदु पर हम लोग और भी गंभीरता से और ठोस साक्ष्य के आधार पर आपके समक्ष। वहीं परिजनों का आरोप है कि पुलिस पीड़िता को नजरबंद किया है। अभी तक बहन हमार ना आई, क्यों बुझाते नहीं सोचना कि का हुई, वो जी पूछा था हम फोन लगा के तो क्यों सोचना बुझाते नहीं थे। अब में का थी बा, अब रोजा सब बताई कि बहन के आई तो है जी दवा बीरो हम करी थी दिक्कत बा, वो जी खा पी नहीं जात, बहन हमार बोल नहीं पावत, गला बैठ गुल बा कर यही आता ना हमने के उधरल बा कि करा के छोड़ा ही जाऊ जी ने। मनोज रामपरी हमारा नाम। मगर सवाल अभी भी है कि बच्चे की हत्या कैसे हुई और किसने की। वहीं मुख्य आरोपी अभी फरार है। बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट।